मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। भाइयों, आज आपको मैं बहुत उम्दा चीज बताने जा रहा हूँ। हारमोनियम रिपेयर, ढोलक रिपेयर और जो भी म्यूजिक सिस्टम का रिपेयरिंग जहाँ पर होती है। अभी देखिए, ये आपके सामने रिपेयर कर रहे हैं, अभी मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा और आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा ताकि आप घर पर ही अपना म्यूजिक सिस्टम को रिपेयर करा सकें। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह बिष्ट है। गोपाल सिंह जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं? सर, मैं 20 साल से कर रहा हूँ ये काम। 20 साल से आप होम डिलीवरी कर देते हैं? बिल्कुल सर, घर पर जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ आप अकेले हैं या कोई और भी हैं? मेरा हेल्पर भी होता है। अच्छा अच्छा, ये आपके हेल्पर ठीक लगे हुए हैं। तो गोपाल जी, ये बताइए, आपको इसको एक हारमोनियम को रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाता है? सर, हारमोनियम में रिपेयर करने के लिए सर वो खराबी के हिसाब से होती है जी। कितनी कमी है हारमोनियम में तो उसके हिसाब से ही मतलब टाइम लगता है। 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है हारमोनियम ठीक करने में। अच्छा जी, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो कमी होती है, कमी के हिसाब से ही टाइम लगता है। गोपाल जी, और बताइए, और ढोलक भी रिपेयर कर देते हैं? मैं सारा इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट सारे ठीक करता हूँ। हारमोनियम, तबला, गिटार, ड्रम सेट, ढोलक, चिमटा, सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे ठीक करता हूँ। घर जाके ठीक कर देता हूँ। घर जाके ठीक कर देते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, और कोई नया इंस्ट्रूमेंट जो आजकल आ रहा हो? सर, आजकल जो से आने को तो कीबोर्ड वगैरह भी आ रहा है, उसका भी वो भी कर लेता हूँ, कीबोर्ड वगैरह भी कर लेता हूँ। वैसे जो एक्चुअल मिठास, जो हारमोनियम की मिठास है, वो तो कीबोर्ड में नहीं आती होगी? नहीं 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 सर, हारमोनियम अलग है और कीबोर्ड अलग है। अच्छा अच्छा जी, चलो गोपाल जी, और अभी आप कहाँ पर आए हैं रिपेयर के लिए? मैं सर अभी बदरपुर में आया हूँ। बदरपुर में? बदरपुर में संगीत, सरस्वती संगीत इंस्टीट्यूट है, उसमें उनका इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के हैं? हाँ जी, सारे उन्हीं के ही हैं। उनका इंस्टीट्यूट चलता है और उन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया है। मेरा वैसे भी होम सर्विस का ही काम है। अच्छा, कॉन्टेक्ट से ही काम होता है जी। और बाकी छोटा मोटा जो काम होता है, अपने जान पहचान वाले होते हैं, उन्हें अपने घर से भी डील कर लेता हूँ जी। हाँ जी, चलो, जैसे इसका होम डिलीवरी में खर्चा और वैसे खर्चा बराबर ही पड़ता है या आप अलग से होम डिलीवरी का चार्ज लेते हो? ऐसा तो नहीं है, बाकी ऐसा है कि जैसे कहीं दूर जाते हैं तो उसमें भाईशान उसका मूड बदल गया, उसने बुलाया फिर नहीं करवाया, तो उसमें 200 रुपया चार्ज लगता है। अच्छा, कन्वेंस लेते हैं 200। ठीक ठीक, नहीं करवाने पर, अगर नहीं करवाया तो 200 रुपये कन्वेंस चार्ज लोगे। हाँ जी। गोपाल जी, एक चीज़ और बता दीजिए, जो रीड बोलते हैं, बांस रीड और ये जर्मन रीड, इनका क्या क्या मतलब है इसका? एक्चुअली सर, ये जो होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, इसमें जो है ये रीड इसको बोलते हैं, ये जो बाजी के अंदर जो है इसी, इसको रीड बोलते हैं। अच्छा, जो पीतल की जैसी? हाँ, ये जो पीतल की लगी हुई है इसको रीड बोलते हैं। हाँ, ये रीड की जो है आवाज आती है। अच्छा, बोलता यही है, इसके अंदर हवा भरती है, हवा भरने से फिर चाबी दबाने से जी, जो हाथ से आप जो चाबी जो प्ले करते हो तो उसी से जो है इनकी आवाज निकलती है रीड की। ठीक ठीक। इसमें रीड की ऐसी होती है, कोई अपना नाम से बनाता है, जैसे कोई क्लासिक का बना रहा है। हाँ। और कोई करुणा का बनाता है, कोई स्पेशल, मतलब अपने अपने नाम से बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो जर्मन रीड जो आती थी वो 40-50 साल पहले बाहर से, जर्मन से आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको जर्मन रीड बोलते थे, यही चीज आती थी बाहर से पहले, तो ये चीज अब जो है इंडिया में बनने लग गई है। एक वो बांस रीड बोलते हैं, बांस क्या? नहीं, वो ऐसा होता है, एक तो बांस मेल क्या होता है, एक तो मेल का होता है जी, मेल में जो होती है थोड़ा खड़ा खड़ी आवाज आती है जी, में बोलता है जी। और जो बांस मेल का होता है वो जरा गोल आवाज में होती है। अच्छा जी। हाँ, उसकी खर्ज की आवाज आती है जी जी। और आजकल लोग जो जितने भी जो क्लासिकल सीखने वाले हैं वो खर्ज का बाजा ही लाइक करते हैं जी। और जो तीखा बाजा होता है वो कीर्तन मंडली जैसे होता है जो होता है वो जो होता है वो लोग ज्यादा लाइक करते हैं जी, ऐसा होता है। बाकी देहात में भी वो बाजा उसकी मार्केट ज्यादा है जी, जो मेल बाजा होता है जी जी। हाँ जी। तो आप तो ऐसे प्ले करना भी जानते होंगे, जब ठीक करना जानते हैं? बहुत, तो ऐसा है कि प्ले भी कर लेता हूँ, जब बनाता हूँ तो प्ले भी कर लेता हूँ जी जी जी। क्योंकि प्ले करने के बाद जब ट्यूनिंग करता हूँ, जो हमेशा जिसको बजाना आता है, जो प्ले करता है ना,
तो वो ट्यूनिंग भी अच्छी करता है, क्योंकि उसे सुर का पता होता है कि सुर कहाँ नोट कम लग रहे हैं, कहाँ वो लग रहे हैं। तो मैं दोनों चीज़ ही करता हूँ, थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ, तो बजाने के हिसाब से मैं ट्यून भी करता हूँ। तो गोपाल जी, इसमें आपकी इनकम गुजर बसर तो हो ही जाती होगी? नहीं, बिल्कुल होती है सर, 20 साल से पुराना काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, इस काम से हमने बहुत चीज़ करा है। जी हाँ जी। तो गोपाल जी, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो सर मेरे 4 हैं। 4 बच्चे, मतलब 6 आदमी का परिवार है? हाँ जी, 6 जनों का परिवार। तो गुजर बसर हो जाती है इससे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, मेरा तो इतना इंटरेस्ट है, बेटे को भी यही इंटरेस्ट है। जी जी जी। तो गोपाल जी, अपना फोन नंबर बता दीजिए, ताकि जो भी किसी को भी भाई भाइयों को किसी को कोई तकलीफ हो कि म्यूजिक सिस्टम से कोई ख़राब आइटम हो ठीक कराने के लिए, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 9911585017। एक बार और, 9911585017। ठीक है गोपाल जी, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, और मैं सभी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जिसका भी म्यूजिक सिस्टम खराब हो, कृपया आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपकी सुविधा के लिए होम डिलीवरी, होम आपके घर पर ही आपका साज ठीक कर दिया जाएगा। चलो, बहुत अच्छा गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल सर, ठीक है, नमस्कार गोपाल जी।